हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो पांड्या छपारा से आ रही है, जिसमें आज किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेते हुए किसान आंदोलन किया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को अपने आला अधिकारियों के समक्ष रखा। और पूरी रिपोर्ट के लिए संजय काड़े के पास चलते हैं। साथ में जनप्रतिनिधि और सरपंच भी और जनपद सदस्य भी हैं, और हम इनसे जानना चाहेंगे भाई आपने किस बेस में ये बैठक रखा है और क्यों रखा है, हम इनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पूनाराम चौधरी। अभी कुछ दिन पहले ये किसान मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है मुझे, और सारे कृषकों को मेरे आह्वान पर सारे कृषक इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हिर्री के उस तरफ सिंचित जगह में सरकार के द्वारा बीमा की राशि वितरण की गई, और हमारे 12 पंचायत में जहां असिंचित जगह है वहां किसी को राशि नहीं मिली। 900 करीब यहां पे कृषक का बीमा हुआ था, जिसमें सिर्फ एक कृषक को भर राशि मिल पाई, और सारे कृषक वैसे ही हैं। फिर भी इस साल भी यही पोजीशन है हमारे यहां कि इस साल भी लगभग 50% फसल मार खा रही है, और इसी बात को लेकर के सारे किसान आए हैं, और कल भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने के लिए सारे किसान जा रहे हैं, और कल हम सारे किसानों को मिलकर के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। सोचेंगे चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। तो आप गांव को कैसे असिंचित रख दिया गया, 12 गाँव जो आप बता रहे हैं ये सब पटवारी। किशोर पंचेश्वर है, मैं ग्राम कनारी ग्राम पंचायत कनारी का सरपंच हूँ। क्या मांगे आपकी, कैसे हमारी मांगे हैं कि ग्राम पंचायत पांडे छपारा के तहत 12 ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला है हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि यह असिंचित क्षेत्र है, और असिंचित क्षेत्र होने के कारण भी हम लोगों को बीमा का राशि नहीं मिला, और चूँकि सिंचित क्षेत्र में मिल चुका है। हमारी ये मांगे हैं कि हमको इस कृषि बीमा का लाभ मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला। क्षेत्र में पहली बार किसान जागे हैं और एक नए किसान मोर्चे का गठन हुआ है, और इस नए किसान मोर्चे का यही उद्देश्य है कि विगत कई सालों से जो हम समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र की समस्याओं को सुनने वाला कोई नेता हमारे क्षेत्र में नहीं है। कई बार विधायक से, सांसद से, समीपवर्ती जिला बालाघाट से, हमारी प्रदेश सरकार में बाहुबली मंत्री हैं गौरीशंकर बिसेन जी, उन्हें भी हमारे क्षेत्र के किसानों ने अपनी समस्याएँ बताई हैं, परंतु कोई भी हमारी समस्याओं को नहीं सुन रहा है रहे हैं, और शीघ्र कार्रवाई यदि हमारे ज्ञापन पर नहीं होती है तो हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं, और व्यापक जन आंदोलन की भी तैयारी हम कर रहे हैं। सरकार की ईट की ईट से बघेल है, जनपद सदस्य, ग्राम भरबेली से हूँ। मेरा क्षेत्र पड़ता है 4 पंचायत, खुरसरा, कनारी, भरबेली व नाथार, और वैसे भी ये क्षेत्र हमारे एरिया में आता है पांडे छपारा, जिसमें सोसाइटी है सारे 12 पंचायत के क्षेत्र में एक ही सोसाइटी है, उसके अंतर्गत लगभग 22 गांव के लोग यानी 12 पंचायत के लोग यहाँ एकत्रित हुए, और ये जानकारी मिली कि अभी तक के आसपास जहाँ सिंचित एरिया है वहाँ पे बीमा की राशि मिल चुकी है, और बोले यहाँ क्यों नहीं मिली, तो हमने बोले चलो भाई अपन कुछ संघर्ष। और 12 पंचायत में 32 गांव पड़ते हैं, जहाँ से किसान भाई लोग खड़े हैं, साथ में जनप्रतिनिधि, सरपंच और जनपद सदस्य भी हैं। इनका कहना है कि हमारे बाहुबली नेता गौरीशंकर जी बिसेन से भी शिकायत करने के बाद भी हमारे इस केवलारी में जो उगली पांडे छपारा पड़ता है क्षेत्र, इसको वंचित क्यों रखा जा रहा है, और यहाँ पर सोतला व्यवहार हमारे साथ क्यों किया गया। इनका कहना है कि पटवारी की लापरवाही से ये सब किसान भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मुआवजा किसी को दिया गया है जहां सिंचित जगह है, और जहां असिंचित है उसको छोड़ दिया गया है। इस प्रकार का सोतला व्यवहार हमारे साथ क्यों किया जा रहा है, और जहां सरकार कहती है जय जवान जय किसान, किसान एक अन्नदाता कहलाता है, उसके साथ इस प्रकार की भेदभाव की भावना अगर सरकार रखेगी तो फिर किसान कहाँ से जी पाएगा। कैमरामैन धर्मेंद्र पवार के साथ संजय काड़े।